ओम श्री परमात्मने नमः। भागवत वाणी को स्वागत दर्शक बंधु, आज आसतु आम शुणा आलोचना करवा श्रीमद भागवतर प्रथम स्कंद अंतर्गत षष्ठ अध्यायर 90-95 पर्यंत पदावली गुड़िक क्षीर जल धीमति स्थित अनंत सयनी अच्युत पशिली तार अभ्यंतरे निर्लेप निर्मल शरीर जेबे सहस्र युग गला सयनु अनंत उठला तक्षण ब्रह्म रूप धरी भूमि भिया सुत ब्रह्मा मन रूहले जात मुहि होइली तंक संगे संभूत विधाता रंगे। ए पदावली भितरे जहाँ निर्जास आसंती सेथिरे भगवान नारद भगवान व्यासदेव को तांकर जीवन यात्रार कथा वर्णना करुछंती। ए वर्णना भितरे कहुछंती जेतेबेले सृष्टि रे प्रलय वासिला महाप्रभु से प्रलय को निज हृदय भितर स्थानित करी क्षीर सागर रे अनंत नागंक उपरे सहस्र युग धरी शयन रचना करे। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे परिपूरयंतम वटस्यपत्र स्वपरी सयानम बालम मुकुंदम शिरसाभिवंदे। ये सुंदर भावरे बुढ़ियाणी जेभली सृष्टिर आरंभ काल रे तार भितरु सूता गुड़िए बाहर करी से बिछेई दिए। प्रलय समय रे से जेमिति से सूता गुड़ी को तार भितर को नहीं जाए भगवान विष्णु से भली भावरे से सृष्टिर आरंभ काल रे तांकरी देहरु सबु जात करंती एवं प्रलय काल रे जात करिथिबा जो द्रव्य गुड़ी को पुणी तांक भितर को नहीं जानती आउ सोई जानती। नारद भगवान कहुचंती इमती सहस्र युग परे जेतेबले भगवान तांकर अनंत शयन रु उठिले से ब्रह्म रूप धारण कले आउ से ब्रह्म रूप को धारण करी पुणी सृष्टि सर्जना पाई सृष्टि तैयारी पाई मन बलाइले भूमि रूप तैयारी कले। भूमि रूप तैयारी करी सारिबा परे से सप्त ऋषि को सृष्टि कले। आपण माने जानंती से सप्त ऋषि होउचंती प्रथम ऋषि से माने हेले क्रतुह पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ आउ मारीच। कहउचंती नारद भगवान से सप्तर्षि भितरे पुणी सप्तर्षि परे भगवान निजे तांक देहरु ब्रह्मा को सर्जना कले। ब्रह्मा सहित मु निजे मध्य तांकर अंगरु जात हेले आउ एई जात हवा परे भगवान पुणी सृष्टिर विकास पाई मन बळैले। प्रिय दर्शक बंधु भगवान आद्यरे अछन्ति मध्यरे अछन्ति अंतरे मध्य अछन्ति तो सेति पाई कहा जाए आद्ये मध्ये च अन्त्ये च हरि सर्वत्र गीयते। भगवान को कौनसी कार्यर आरंभ रे मध्य रे आउ शेष पर्याय रे स्मरण करी यदि कौनसी कार्य आमे करी नेउ थाए तेबे से कार्य सफलतार शीर्ष सीमार जाई पहुँचिबो एथिरे संदेह नाही। जय जगन्नाथ।